खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। मेरे सैया थानेदार, अब डर काहे का, सूबे में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, शायद इसलिए नेताजी ने सार्वजनिक गली में गटर बना लिया। हालांकि वहां चेयरमैन भी भाजपा से ही हैं, परंतु वे इस अवैध कार्य का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नगर पंचायत की ओर से जहां अब तक 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, वहीं ये भाजपा नेता गटर वाली जमीन पर अपना पूरा हक बता रहे हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश जनपद एटा के कस्बा अवागढ़ से है। यहां गटर निर्माण को लेकर अवागढ़ के नगर पंचायत अध्यक्ष महेश पाल सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र पाल सिंह उर्फ राजू के बीच तलवारें तन चुकी हैं। गटर निर्माण का यह मामला अगर इसी तरह गर्माता रहा तो तनी हुई ये तलवारें कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती हैं। भाजपा नेता से चेयरमैन पर व्यक्तिगत रंजिश का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में 3 लोगों के चालान भी हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने इस मामले को लेकर ही दोनों पक्षों से बात करी। पहले आप सुनिए नगर पंचायत अवागढ़ से चेयरमैन महेश पाल सिंह को, फिर सुनना भाजपा नेता धर्मेंद्र पाल सिंह उर्फ राजू को। पत्रकार मनोज कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। ये कचपुरा में क्या मैटर है चेयरमैन साहब? कचपुरा में एक सार्वजनिक सड़क में एक मतलब कचपुरा में रहने वाले राजू मेडिकल वाले जो सड़क में अतिक्रमण सड़क पर अतिक्रमण कर रहे थे, वहाँ सड़क पर इंटरलॉकिंग ईंट लग रही थी, उसे हटाकर लेटरिन का टैंक बना रहे थे। उसको जब हमने उसकी जानकारी कराई तो मौके पर जब कर्मचारी गए तो कर्मचारियों ने देख के बताया कि हाँ साहब, ये वो इंटरलॉकिंग उखाड़ के और वहाँ टैंक बना रहे हैं। मना करने पर नहीं माने तो थाने में मतलब उनको एक नोटिस दिया गया, वो थाने को भी अवगत कराया गया, थाने में एसओ के संज्ञान में डाला गया। लेकिन उसके बावजूद एसओ ने मना कर दिया, काम नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह पर टैंक बना लिया गया और आज मौके पर टैंक है, जिससे कि उस गली में आने जाने वालों को कभी भी कोई क्षत हो सकती है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी जो जिन्होंने टैंक बनाया है उनकी होगी। क्योंकि सार्वजनिक गली में टैंक नहीं बना सकते और इससे अगर कोई भी नुकसान होता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो इसके लिए नगर पंचायत आगे कोई कार्रवाई और करने की तैयारी में? नगर पंचायत कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी उसको पूर्णतः करेगी और इसमें नगर पंचायत पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उन्होंने ये गलत किया है, इसलिए उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे निश्चित करेगी। धन्यवाद। ये कचपुरा में भाई साहब वो गटर जो गली में बनाया जा रहा है, इस मैटर में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई भी गली में गटर नहीं बनाया जा रहा है। वह जगह मैंने अपने प्लॉट में निजी में से छोड़ी थी, उस जगह में मैं अपना गटर निर्माण कर रहा था, क्योंकि मैंने जो बैनामा कराया था वहाँ, तब उस बैनामा में 8 फुट गली दी गई थी, लेकिन मौके पर 7.5 फुट की गली थी। उसके लिए उसी गली में मुझे एक अपनी गैरेज के लिए रैंप का भी निर्माण करना था। रैंप लगभग 3 फुट बनने पे गली मात्र 3 फुट रह जाती, इसलिए मैंने मोहल्ला के सब लोगों के हित में और मैंने भी मानवता के आधार पर अपने प्लॉट में से 3 फुट जगह पीछे छोड़कर रैंप का निर्माण कराया, क्योंकि उस टोटल जगह की लंबाई 30 फुट है, 12 फुट में लगभग रैंप बन चुका और 18 फुट जगह खाली रह गई थी। तो वो 18 फुट जगह भी मैंने पूरी ही 3 फुट छोड़ दी थी अपनी। अब मौके पर वहाँ पर वो 10 फुट के करीब गली है, 10 फुट जगह है टोटल, इसमें 7.5 फुट गली है और 2.5 फुट लगभग मेरी जगह छूटी हुई है। उसी 2.5 फुट में मैं अपने एक जो नए पाइप के द्वारा बनते हैं, 2.5 फुट का जो पाइप आता है वो डाल के और उसका निर्माण करा रहा था। नगर पंचायत ने अनावश्यक रूप से बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से एक नोटिस मुझको दिया था, जिसका जवाब दिनांक 20/6/2020 को ही मैंने नगर पंचायत में रिसीव करा दिया है और उसकी एक प्रतिलिपि
माननीय जिलाधिकारी महोदय, एक प्रतिलिपि माननीय उपजिलाधिकारी महोदय एवं एक प्रतिलिपि नगर आयुक्त जो होते हैं एटा पे उनके लिए भेज दी है मैंने। ये कहा जा रहा है आप पे ये इस तरह का आरोप लग रहा है कि आपने ये जो गटर बनाया है वो पुलिस से साठगांठ करके बनाया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें मैं अपनी जगह पे निर्माण करा रहा था, उस निर्माण को चेयरमैन हवागढ़ ने पुलिस पे दबाव बना के मेरे कर्मचारियों के खिलाफ 151 जरूर करा दी थी, जिस पर मैंने जब जाके वहां पर उसकी जमानत करा के लाया 151 में। लेकिन मैं अपनी जगह में बना रहा हूं, आप मौके पर जाके देख सकते हैं, पूरी गली सात फुट, कहीं पर सवा सात फुट है, कहीं 7.5 फुट है, कहीं 7.75 फुट है, इस तरह की गली है। मौके पर जहां मेरी जगह है वहां पर गली 10 फुट की है, तो वो जो 2.5 फुट 2.75 फुट जो जगह बचती है मैं उसी अपनी जगह में बना रहा हूं। ये केवल रंजिश बतौर चेयरमैन अवागढ़ मुझसे रंजिश मांगते हैं, उस रंजिश के बतौर मेरे साथ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप रंजिश है आप जी, बिल्कुल रंजिश इसको कह रहे हैं। राजनीतिक वो है प्रतिद्वंदता या राजनीतिक प्रतिद्वंदता के साथ साथ वो व्यक्तिगत रंजिश भी मानते हैं मुझसे। ठीक, धन्यवाद। शुद्ध स्वादिष्ट एवं शाकाहारी भोजन के लिए होटल नीलकंठ जिला पंचायत गेट के पास जीटी रोड एटा, प्रबंधक सुरेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर 9690043248।